जब कोरोना कालखंड में भय और दहशत था तब ये भय और दहशत को और फैला रहे थे। और जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन नाम के नवयुवकों की निर्मम हत्या करवाने के लिए उन दंगाइयों को सम्मान किया था कि अभी दंगा मुक्त प्रदेश बना पाएंगे क्या? और भाइयों बहनों, दंगाई और माफिया को बचाने के लिए जब प्रदेश सरकार का बुलडोजर इन दंगाइयों पर चलता है, इन माफियाओं पर चलता है, तब इनको पीड़ा होती है। जैसे हमने दंगाइयों को बोतल में जिन की तरह बंद करके फेंक करके रख दिया है। एक कहावत है, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। उनको ये बिजली अच्छी नहीं लगती, ये विकास अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कोई फर्क नहीं इनकी नीतियों में, नियत में भी, नीति में भी। जब कोरोना कालखंड में भय और दहशत था तब ये भय और दहशत को और फैला रहे थे, सुरक्षा का माहौल नहीं बना रहे थे, गरीबों के साथ नहीं खड़े थे, आम नागरिक के साथ नहीं खड़े थे, भय का माहौल बना रहे थे, गलत सूचनाएं दे करके भयाक्रांत कर रहे थे समाज को। इनमें से एक भी नेता कोरोना कालखंड में बाहर नहीं निकला था। मैं आज भी यहां आने के पहले मेरठ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया हूं कि कोरोना की क्या स्थिति है बताओ भाई। मैंने कहा, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी पहले दिन से बोल रहे हैं, हमें प्रत्येक नागरिक के जीवन को ही बचाना है और जीविका को ही बचाना है। जितने नेता इस समय वोट मांगने के लिए आ रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस के, ये पिछले 3 महीने से ही मंडरा रहे हैं, बाकी 2 साल गायब थे, एकदम गायब थे, अंडरग्राउंड थे, कहीं पता ही नहीं था। जो आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकता, क्या आपका हितेशी हो सकता है क्या? जो लोग आपको बिजली नहीं देते थे, क्या वे फ्री में बिजली देंगे क्या? जो लोग स्वयं सुरक्षा के लिए खतरा बने थे, क्या उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? और जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन नाम के नवयुवकों की निर्मम हत्या करवाने के लिए उन दंगाइयों को सम्मान किया था कि वे दंगा मुक्त प्रदेश बना पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, इनकी संवेदना न गांव के विकास के लिए है, न गरीब के कल्याण के लिए है, न बेटियों की सुरक्षा के लिए है, न नौजवानों के रोजगार के लिए है, और न अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। इनकी संवेदना केवल माफिया और दंगाइयों को बचाने के लिए है। और भाइयों बहनों, दंगाई और माफिया को बचाने के लिए जब प्रदेश सरकार का बुलडोजर इन दंगाइयों पर चलता है, इन माफियाओं पर चलता है, तब इनको पीड़ा होती है। ये बुलडोजर चलना चाहिए ना, सब लोग खुश हैं, तो 10 मार्च के बाद फिर भाइयों बहनों, 10 मार्च के दिन फैसला कर लीजिए। फैसला होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों के लिए मकान बनाए, 2,61,00,000 गरीबों के घरों में शौचालय दिया, 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए, 1,21,000 गांव में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया, 1,56,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए, 9,00,00,000 गरीबों को 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया, 15,00,00,000 गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा महीने में 2 बार दी जा रही है, 1,00,00,000 वृद्धावस्था, विधवा, पेंशन और
दिव्यांगजन पेंशन 1 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर 1,000 यानी 12,000 रुपए सालाना उपलब्ध हम लोग करवा रहे हैं। 2,54,00,000 किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपलब्ध करवाई जा रही है। हमने इसलिए नहीं दी कि हम चुनाव में इसके नाम पे वोट मांगेंगे, नहीं, यह हमारा दायित्व था। हमने कहा था, जो कहा था सो करके दिखाया है। हम तो केवल एक बात कहने के लिए आए हैं। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अच्छा किया है, और अगर आप चाहते हैं थानों का संचालन कोई हिस्ट्री सीटर न करे, अपराधी गले में तख्ती लटकाकर ऐसे ही चलते रहे, मौत की भीख मांगती रहे, जान की भीख मांगती रहे, मांगते रहे, अगर आप चाहते हैं दंगाइयों पर इसी प्रकार का शिकंजा कसा रहे, अगर आप चाहते हैं कि विकास इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे, अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार इसी प्रकार से मिलता रहे, अगर आप चाहते हैं बेटियों की सुरक्षा इसी प्रकार से पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, अगर आप चाहते हैं उद्योग धंधे लगते रहे और रोजगार का सृजन होता रहे, अगर आप चाहते हैं दंगा मुक्त भय मुक्त प्रदेश, और अगर आप चाहते हैं कि अपराधी और माफियाओं के घरों पर सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भाइयों बहनों, इसी के लिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, यही अपील करने के लिए आया हूं कि मात्र भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है। भारत एक नए भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश भी देश का नंबर एक का प्रदेश बने, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आवश्यक है। क्या आप सभी सहमत हैं? भाइयों बहनों, चुनाव प्रथम दौर में ही आपके यहां चुनाव होना है, और चुनाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल लागू होगा। हो सकता बड़ी रैली न हो पाए, यद्यपि हमारा प्रयास है कि हम कोरोना को अगले 7 दिन के अंदर कंट्रोल करके फिर जैसे हमने दंगाइयों को बोतल में जिन की तरह बंद करके फेंक करके रख दिया है, ऐसे ही कोरोना को भी फिर कैद करके रख दें। आपने देखा होगा मार्केट बंद नहीं किए हम लोगों ने, टेस्ट बढ़ाए, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को बढ़ाया, 99% लोगों ने वैक्सीन ले लिया यूपी में। सतर्कता और सावधानी, लेकिन फिर भी हो सकता ना हो, आप सबसे मेरी अपील है, दिनेश खटिक बनकर के प्रत्येक व्यक्ति को घर घर जाना होगा। कमल का फूल लेकर के घर घर जाना होगा, और चुनाव के दिन सुबह मतदान प्रारंभ होने के साथ भाइयों बहनों मतदान केंद्र में जाकर के सबसे पहले मतदान और फिर जलपान, इसके लिए तैयार होना होगा। इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, पहले मतदान और फिर ये प्राथमिकता के आधार पर। आपके पास स्मार्टफोन होगा, आप वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होंगे, फेसबुक पर होंगे,
व्हाट्सएप पर होंगे, इंस्टाग्राम पर होंगे, किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर आप सक्रिय होंगे, टेलीफोन ही कर सकते हैं, आपके नातेदार रिश्तेदार जहां कहीं भी होंगे, मेरठ जनपद में, मेरठ के बाहर मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, आसपास के कहीं भी, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, कहीं भी, उन सब के पास एक संदेश भेजने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश को नंबर एक का प्रदेश बनाने के लिए भाजपा आवश्यक है। क्या आप सभी सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।